आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। देखिए ठंड का मौसम बढ़ चुका है, ठंडी धीरे धीरे बिहार में पटना में बढ़ रही है। अब ठंड का मौसम आए तो कुछ गर्मा गर्म खाने का मन तो ज़रूर करता है, मेरा भी क्या। इसलिए इस समय हम निकल चुके हैं पटना की सड़कों पर है और यहाँ पर हम आपको एक ऐसे सैंडविच वाले से मिलाने वाले हैं जो कि फटाफट सैंडविच बनाते हैं और वो भी ऐसा सैंडविच बनाते हैं जो शायद आप भूल ना पाए। अब आप सवाल ये उठता है कि बिहार में सैंडविच इतना फेमस नहीं है, लेकिन भैया यहाँ का सैंडविच खाएंगे तो आप कभी भूल नहीं पाएंगे। तो चलिए, इस पार्लर का नाम है टिंकू सैंडविच पार्लर, जैसा कि आप तस्वीर में देख रहे हैं। तो यहाँ पर एक भैया है जो कि सैंडविच बनाते हैं। पहले हम उनके बारे में भी जान लेंगे कि वो कहाँ से आए, कैसे बनाए और पटना में, बिहार में सैंडविच जो है वो सैंडविच पार्लर खोलने का आइडिया उनके पास कहाँ से आया। भैया सबसे पहले तो अपना नाम बता दीजिए। टिंकू कुमार शर्मा मेरा नाम है और पटना से है, हम पटना में ही रहते हैं। और मैं पहले मुंबई में थे, तो मुंबई में सैंडविच का ही सब करते थे, तो लॉकडाउन के कारण यहाँ पे आया, तो यहाँ पे चालू किया सैंडविच का, तो अच्छा रिस्पांस मिला, तो हम यहाँ रुक गए, चला रहे और अलग अलग बहुत सारा वैरायटी बनाते हैं। अच्छा भैया, बिहार में पटना में तो इतना सैंडविच फेमस नहीं है, ठीक है, लोग नहीं खाते, लिट्टी चोखा वगैरह ज़्यादा चलता है, लेकिन फिर भी दिमाग कहाँ से आपके कि पटना में सैंडविच होना चाहिए? मैंने सोचा भी, लॉकडाउन में आके बैठे हुए थे तो हम बोले कि चलो कुछ ना कुछ करते हैं ट्राई, कुछ काम ढूंढने से अच्छा बोले कि अपना बिजनेस ही चालू करते हैं, देखते हैं कैसा रिस्पॉन्स है करके। तो बोला इसके लिए चालू किए सैंडविच का, तो अच्छा रिस्पॉन्स मिला यहाँ पे, लोगों को लगा कि हाँ सैंडविच है अच्छा, हमको ऐसा अच्छा। चलिए देखिए, इनसे तो हमने बात कर ली, अपने बारे में बता दिया, ज़रा इनके पार्लर के बारे में बता देते हैं। अब देखिए, नॉर्मल आप दुकान में जाएंगे तो आपको मेन्यू नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पर भाई साहब मेन्यू भी है जो कि आपको दिख जाएगा। यहाँ मेन्यू होगा, ये देखिए यहाँ मेन्यू भी लगा हुआ है जो आपको वैरायटी में दिख जाएंगे। आपको बहुत सारे सैंडविच है, वेज सैंडविच है, चॉकलेट सैंडविच है, मसाला टोस्ट, ग्रिल सैंडविच, कई वैरायटी है यहाँ पर सैंडविच के, आप देख सकते हैं, आपको तस्वीर में दिख रहा होगा किस तरीके से कितने सारे सैंडविच के यहाँ पे। अक्सर हम लोग देखते हैं ना कि कोई भी ठेला लगा होता है, स्टॉल होता है, मेन्यू नहीं दिखता है, भैया से पूछना पड़ता है क्या बना रहे भैया, लेकिन यहाँ पर मेन्यू की भी व्यवस्था है भाई, तो मतलब कि आपको पूछना नहीं पड़ेगा, बस आइए अपना पसंदीदा सैंडविच देखिए और आप ऑर्डर कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पर ज़्यादा इतना भी एक्सपेंसिव नहीं है, अब आपके जो आपका टेस्ट है उस हिसाब से एक्सपेंसिव है। अब ये हम आपको चख के ही बताएंगे कि आखिर कैसा सैंडविच खाने का मन है। आप देखिए यहाँ पर है बहुत सारे सैंडविच, तो हम भैया को बोलेंगे कि ज़रा सा वो कॉर्न चीज़ टोस्ट बना दे, ठीक है, कॉर्न वाला सैंडविच। अब यहाँ पे बहुत सारे वैरायटी है, मेरा तो कॉर्न फेवरेट है, तो हम तो कॉर्न ऑर्डर कर रहे हैं, बाकी आप अपने हिसाब से ऑर्डर कर सकते हैं। तो हम आपको ये भी दिखाएंगे कि भैया तैयार कैसे करते हैं। भैया आप कौन सा सैंडविच तैयार कर रहे हैं अभी? चॉकलेट वाला बना रहे हैं। चॉकलेट वाला, ये थोड़ा अलग हो गया, हम जरा हमें अपने दर्शकों को भी दिखाएंगे कि ये चॉकलेट सैंडविच कैसे बनता है। भैया इसमें आप चॉकलेट का इस्तेमाल करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा? चॉकलेट का इस्तेमाल करते हैं, हर्षी चॉकलेट डालते हैं और स्प्रे करते हैं, फिर बाद में चॉकलेट, डार्क चॉकलेट डालते हैं इसके ऊपर, ये डार्क चॉकलेट है, इसको कट करके डालते हैं एकदम। मैम आपकी चाकू थोड़ी अलग लग रही है, चाकू का क्या कमाल है? चाकू का सब मेरा मुंबई का चाकू है मैडम, यहाँ का कुछ भी नहीं है, तो सब मैंने इतना साल से किया हूँ तो मेरे को एक्सपीरियंस है तो और कर रहा हूँ। चॉकलेट सैंडविच थोड़ा नया देखने को मिल रहा है, लोग फिर भी खाने को आते हैं? हाँ चॉकलेट सैंडविच आते हैं, बच्चे लोग को बहुत पसंद है और अच्छा भी है चॉकलेट सैंडविच। ये ब्रेड जो है ये टोस्ट किया हुआ है? नहीं टोस्ट किया हुआ नहीं, ये ब्राउन ब्रेड है। अच्छा अच्छा, ब्राउन हाँ, ब्रेड है, नॉर्मल ब्राउन ब्राउन हाँ, ब्राउन ब्रेड है हाँ। इसको अभी इसके अंदर बैक कर देंगे, बस चॉकलेट डाल के कर देते हैं। हाँ चॉकलेट डाल के करते हैं, नहीं चीज़ में नहीं होता इसके ऊपर। तो चलिए आप देखिए कि हमारा ये चॉकलेट सैंडविच जो है ये अब चढ़ गया है, अब देखना होगा ये निकल के कैसे तैयार होके आता है। भैया आपका ये चॉकलेट सैंडविच भी बहुत बिकता है? हाँ ये चॉकलेट सैंडविच बच्चे लोग के लिए बहुत पसंद हो गए और बहुत बिकता है सैंडविच, अच्छा है, चलता भी है। आप कब से खोल रहे हैं दुकान, कब, कितना टाइम हो गया पटना में ये दुकान? पटना में मेरे को करीब एक साल हो गया, पहले लॉकडाउन में हम आए थे तो चालू किया सैंडविच का यहाँ पे और अच्छा चल रहा है, इसके लिए चालू किए हुए। शुरू शुरू में चला था या नहीं? नहीं शुरू शुरू में थोड़ा थोड़ा चलता था, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारा, मैंने बोला चलो अभी आज चल रहा है कल तो चलेगा ही चलेगा, इसके लिए मैंने ये नहीं किया, चलाते ही गए। चलिए तो हमने इनसे भी बात कर ली चॉकलेट सैंडविच के बारे में, इन्होंने बताया और ये चॉकलेट सैंडविच बन रहा है। भैया अंदर क्या डाल रहे हैं इसके, बटर? हाँ इसके ऊपर बटर लगाते हैं, अमूल बटर लगाते हैं इसके ऊपर, करे चिपके नहीं करके इसके लिए ऊपर बटर लगाते हैं। तो ये चॉकलेट सैंडविच भी बन रहा है, जरा दर्शकों से बात कर लेते हैं कि उनको कैसा लगता है खा के। अरे अंकल आप यहाँ पर आए हैं सैंडविच खाने? हाँ कौन सा सैंडविच आपका फेवरेट है यहाँ पे, कौन सा? हमारा स्वीट कॉर्न वाला।
अच्छा स्वीट कॉर्न वाले। हाँ, गजब का टेस्ट है, मतलब अब ज़्यादातर लोग खाते भी हैं, वो देखा है हम लोगों को, तो हम भी हो जाए कहीं भाई बनाओ तो। हाँ, कैसा लगता है सैंडविच, कुछ अलग टेस्ट लगता है, क्योंकि भाई बिहार में सैंडविच इतना फेमस तो नहीं है। हाँ, लेकिन सैंडविच खा के कैसा लगता है? लगता है कि कुछ मैंने एक अलग चीज़ खा रहे हैं। हाँ, और पैसा पे करके कैसा लगता है कि मतलब परफेक्ट पैसा दे रहे हैं, ज़्यादा नहीं ले जा रहे हैं? हाँ, और उसे तो देखिए वैसे कहा जाता है जैसे रेस्टोरेंट, उसका संधि विशेष कीजिए तो रेस्टोरेंट, रेस्ट कीजिए और रेंट दीजिए, तो उसमें तकलीफ होने की कोई बात नहीं। आपने 2 घंटा एसी का यूज किया है तो आप सामान इनका खा रहे हैं, तो कस्टमर का मतलब ही वही है, कष्ट में तो मरता ही है वो, पैसा जब देना पड़ता है तो थोड़ा कष्ट तो होता ही है। सैंडविच के बाद भी अच्छा लगता है कि भाई चलो मन तो बड़ा। चॉकलेट सैंडविच बनकर तैयार हो चुका है, आप देख सकते हैं, और ये काफ़ी टेस्टी लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा माउथ वाटरिंग है। आप बताइए भैया, आपको? मैं तो पड़ोसी हूँ इनका बहुत, और ये बहुत अच्छा बनाते हैं, मुंबई से आए हैं, और इनके जैसा सैंडविच पूरा पटना में मैंने तो नहीं खाया, पर्सनली बता रहा हूँ, कहीं भी नहीं, सिटी वगैरह नहीं बनता ऐसा, ऐसा इस टाइप का इतना वैरायटी आपको नहीं मिलेगा। और प्योर वेज है, सबसे अच्छा बात, कोई ये नहीं है, बेस्ट है, खाइए एकदम जरूर, एक बार तो खाना बनता है, बिल्कुल खाना बनता है, फ्रेश भी है, हाइजेनिक भी है, फ्रेश भी है। अच्छा, आप ही है चॉकलेट सैंडविच वाले, कैसा लग रहा है खा के? अल्टीमेट है, हम तो, हम कई जगह ऐसे जाते हैं, कुछ ऑर्डर करते हैं कुछ मिल जाता है, चॉकलेट सैंडविच के नाम पे धोखा मिल जाता है, बहुत बड़ा सा होता है। ये वाला थोड़ा एकदम डिलीशियस लग रहा है कि वही है, तो कैसा लग रहा है? अच्छा है, हम तो एवरीडे खाते हैं। क्वालिटी कैसा? बढ़िया है, मणिपुर वैल्यू है। और आपका फेवरेट कौन सा सैंडविच है यहाँ पर, आप रोज आते हैं? चॉकलेट रोज खाने आते हैं, एवरीडे नहीं बट वीकली में 3-4 दिन आता हूँ। पटना में कहीं और तो नहीं मिलता होगा? नहीं नहीं मिलता, ना ऐसा ऐसा नहीं, कहीं नहीं है, ना ना ना। से भी हमने बात कर ली, अब भैया का इंतज़ार करना है कि भैया हमारा सैंडविच, हमारा वाला सैंडविच कब बनाते हैं यहाँ पे, और दर्शक तो हमें नहीं मिल रहे अभी फिलहाल, लेकिन भैया कौन वाला सैंडविच आप कब तैयार कर रहे हैं, और ये कौन सा सैंडविच अभी लगाए हैं? ये मसाला टोस्ट सैंडविच बनाए हैं सर के लिए। अच्छा, आप सैंडविच ऑर्डर किए, आप यहाँ पे अक्सर आते हैं या पहली बार? नहीं, अक्सर आते हैं। स्वाद है तभी आते हैं। फेवरेट तो यही है मसाला टोस्ट। अच्छा, हम देखते हैं भैया कि अक्सर हम लोग कुछ ऑर्डर करते हैं कहीं पे, कुछ मंगाते हैं, कुछ का कुछ मिल जाता है, यहाँ पे वैसा मिलता है एकदम? जो है सो सही चीज़ है, एकदम वसूल वाला चीज़ है, पैसा वसूल है। भैया पटना में सैंडविच का इतना नहीं रहता, सैंडविच वैसा क्रेज नहीं है, पर इनका अच्छा चीज़ है, अच्छा एकदम। मसाला रेडी कर रहे हैं, भैया ये किस चीज़ के लिए तैयार कर रहे हैं? ये अपना फायर सैंडविच के लिए तैयार कर रहे हैं। फायर सैंडविच, फायर सैंडविच है ना मेरा, उसके लिए तैयार कर रहे हैं। फायर सैंडविच का आइडिया कहाँ से आया, मतलब फायर गुलगप्पा? फायर सैंडविच का तो नहीं, फायर सैंडविच तो मैं अपने आप ही आइडिया निकाला है, बोला कुछ हट के खिलाना है मेरे को, तो कुछ हट के बनाना चालू किया, तो बोला चलो एक फायर करके बना के खिलाता हूँ कस्टमर लोग को। अच्छा, फायर सैंडविच में क्या क्या डालते हैं आप? फायर सैंडविच कॉर्न, चीज़, पनीर, चिली फ्लेक्स, सारा मसाला। हाँ, सारा मसाला इसमें आ जाता है, और इसको पूरा पेस्ट के जैसा बना के इसको ट्राई किया जाता है, फिर बाद में ब्रेड के अंदर भर के स्प्रेड किया जाता है उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर मतलब हाँ, इसमें सारे वैरायटीज आते हैं। हाँ, टमाटर, कैप्सिकम, ऑनियन, चिली फ्लेक्स, मसाला, सारे इसमें आते हैं। और ये पहले नॉर्मल? हाँ, नॉर्मल प्रोसेस होता है। हाँ, ब्रेड पे, नॉर्मल ब्रेड पे बटर लगाना है, फिर मसाला रहेगा इसमें, हरी चटनी रहेगी। आप जब भी इस्तेमाल करते हो मसाले यूज़ करने के लिए तो हर बार एक पॉलिथीन? हाँ, एक पॉलिथीन हर बार बदली करते हैं, और पॉलिथीन ख़त्म होता तो फिर नया पैकेट आते हैं, क्योंकि हाइजेनिक से वे ज़्यादा एक रहता हो, और इसके लिए करना पड़ता हमको। और ये फायर सैंडविच के लिए तैयार करना? हाँ, इसको पहले फ्राई होगा? पहले फ्राई होगा, सेम प्रोसेस है? हाँ, सेम प्रोसेस है, बट उसके ऊपर चीज़ आके ग्रेट हो जाएगा चीज़। अच्छा।
बटर लगाऊंगा इसके ऊपर। हाँ उसके बाद बिहार में हाँ अचानक से फायर सैंडविच का अपना अलग तरीका, पहली बार मतलब लग रहा होगा कि बिहार में फायर सैंडविच है। बिहार में पहली बार है फायर सैंडविच का और इससे पहले कभी नहीं दिखा है, और जिसने मैंने चालू भी किया है तो अच्छा इसका रिस्पांस भी मिल रहा है, लोगों को लग रहा है कि नया कुछ खाने को मिल रहा है करके, इसके लिए अच्छा रिस्पांस भी मिल रहा है मैम। ये तो फायर सैंडविच का वेट कर रहे हैं कि आखिर फायर सैंडविच कैसा होता है, क्योंकि मैंने तो पहले कभी नहीं देखा है, अब देखना होगा, अभी देखने को मिलेगा। इसके ऊपर भी बटर लगेगा, अमूल बटर है इसके ऊपर भी, अलग कर दे रहे हैं। ऐसा क्यों? इसके ऊपर चीज़ ग्रेट करेंगे ना, अमूल का चीज़ है, एक टिक्की पूरा डाल देते हैं, एक टिक्की अंदर डाले, एक टिक्की बाहर डालेंगे। अच्छा, मतलब चीज़ का मात्रा इसमें बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा होता है। एक अंदर भी डाले थे चीज़ का? हाँ, एक बाहर भी डाले थे। देखिए बिहार में फायर सैंडविच का नाम तो हम पहली बार सुने, इसके पहले हम कहीं भी नहीं खाए, और इसके ऊपर जिस तरीके से चीज़ डल रहा है, चीज़ तो मेरा फेवरेट है भाई, चीज़ लवर्स के लिए सैंडविच बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है। और ये क्या है भैया? ये फायर का मशीन है मेरा। अच्छा। इसे चीज़ ग्रेट करते हैं। हाँ हाँ, ये तो काफ़ी नया कुछ देखने को मिल रहा है, काफ़ी ज़्यादा स्वाद स्वाद लग रहा है ये देखकर। चलिए अब इसके ऊपर एक चिली फ्लेक्स डालेंगे, साइड में थोड़ा चटनी दे देंगे, इसमें भी हल्का साइड में केचप दे देंगे। ये मेरी सैंडविच रेडी हो गई, फायर सैंडविच। हाँ ओके, बहुत गर्म है और ये बहुत ज़्यादा चीज़ी और टेस्टी दिख रहा है भैया। इसका आइडिया आपको आया कहाँ से आया? आपने अपने दिमाग से? अपने दिमाग से ये सैंडविच तो मैं अपने दिमाग से लगाया हूँ। इसको भी टेस्ट करेंगे और जानेंगे कि कैसा है, काफ़ी टेस्टी लग रहा है दिखने में। सब चीज़ का स्वाद है अंदर। भैया इसका प्राइस क्या होगा? इसका प्राइस 80 रुपीज़ है। मतलब कि कॉर्न सैंडविच से बस थोड़ा ज़्यादा, ज़्यादा उतना ज़्यादा भी नहीं। ये बहुत ज़्यादा टेस्टी है और सब चीज़ का स्वाद आ रहा है इसमें, जैसा कि भैया ने कहा पनीर का स्वाद आ रहा है, कॉर्न का स्वाद आ रहा है, टमाटर प्याज सब इसमें बहुत ज़्यादा है, चीज़ एकदम बहुत है, चीज़ लवर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है और हमको तो बहुत पसंद है। बहुत चीज़ इसमें अमूल का चीज़ है। हाँ और भैया की चटनी बहुत अमेजिंग है। भैया चटनी का क्या खास है आपका, कुछ बताइए। चटनी तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, मतलब थोड़ा अलग लगता है। हाँ चटनी ऐसा है कि चटनी में अपना नारियल ये सब डाल के बनाते हैं, अपने हाथों से बनाते हैं, तो हाँ खुद बनाते हैं। तो ये भी तो काफ़ी टेस्टी है और चीज़ लवर्स के लिए फिर से कह रहे हैं बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। और आप खाएंगे तो कई बार ऐसा होता है कि खाने में सारा स्वाद मिक्स हो जाता है, मगर ये खाने पे आपको हर स्वाद मिलेगा, चाहे वो पनीर का हो, कॉर्न का हो, सारा स्वाद आपके मुंह में आएगा और एक तरीके से टेस्ट ब्लास्ट कर जाएगा। तो फायर सैंडविच ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरे हिसाब से। चलिए तो हमारा सैंडविच बनना शुरू हो गया। भैया क्या डाले इसमें? पहले बटर डाले, अमूल बटर डाले मैम, और इसके बाद स्वीट कॉर्न डालेंगे, इसको थोड़ा हाँ पैकेट वाला है, अच्छा कंपनी का है, और इसके बाद थोड़ा इसको स्प्रेड करेंगे, फ्राई होएगा इस पर बटर में। पहले आप कॉर्न को फ्राई कर दें। हाँ उसके बाद बनाएंगे। भैया आप जो मुंबई छोड़ के क्यों आए यहाँ पे बिहार? मुंबई छोड़ के ऐसा आए नहीं, मुंबई छोड़ के ऐसा नहीं आए, हम तो लॉकडाउन में यहाँ पे आए हुए थे मैडम, तो बोले कि अभी बहुत कब तक लॉकडाउन चला, और मेरा घर यहीं पे है पटना सिटी में, हम रहते हैं, हम बोले चलो अब यहीं करते हैं पटना में कुछ ना कुछ नया ऐड, इसके लिए यहाँ पे चालू किया सैंडविच का सब। हाँ कॉर्न फ्राई हो रहा है, एक मिनट और लगेगा। अच्छा तो इसके बाद भी आप मसाला बनाते हैं अलग? हाँ मसाला अलग से बनाते हैं। मैं एक कॉर्न हो गया फ्राई मैम, ये काफ़ी अलग नहीं लग रहा है कि एकदम बिहार में अलग देखने को मिल रहा है? कैप्सिकम आएगा, ऑनियन कैप्सिकम आएगा, इसके बाद थोड़ा मसाला आएगा मैम, चाट मसाला है, हल्का चिली फ्लेक्स आएगा, और ये
ये मेयोनीज आया। हाँ ये मेयोनीज डाल रहे हैं, जो भी डालते हैं ब्रांडेड डालते हैं, लोकल आइटम कुछ नहीं डालते हैं। हाँ ये अमूल का चीज़ है, अमूल का चीज़ है। इसके अंदर चीज डालने के बाद ये मुंबई से ज़्यादा चल रहा है यहाँ पे सैंडविच आपके? नहीं अभी चल तो नहीं रहा है मैम, लेकिन चलेगा चलेगा। लोग आना शुरू कर दिए यहाँ पे और अच्छा है रिस्पांस, इसके लिए हम चला रहे हैं। ये कौन सा और ये अपना सैंडविच का ही मसाला है, सब मिक्स मसाला है इसमें, हाँ सारा मिक्स मसाला करके खुद बनाए। हाँ और बाद में इसको मिक्स करेंगे। सैंडविच में और भी कुछ डालते हैं मतलब प्याज वगैरह? हाँ इसमें प्याज नहीं, अलग से नहीं, इसमें ऐसा ही पेस्ट बन के और ब्रेड में लगाएंगे। हाँ ये नॉर्मल ब्रेड है और इससे भी तरह तरह सैंडविच बनाते हैं, तरह तरह ब्रेड का भी सैंडविच बना, बहुत सारा बनाते हैं। जम्बो सैंडविच बनता है और फायर सैंडविच बनता है। फायर सैंडविच कैसा होता है? फायर सैंडविच होता है, उसके ऊपर आग लगता है, चीज़ डालने के बाद ग्रेट करने के बाद उसके ऊपर आग लगाया जाता है। बहुत तरह तरह का सैंडविच मैं बहुत बनाता हूँ। ये हरी चटनी है अच्छा। मिर्ची की, मिर्ची धनिया पुदीना अच्छा। इसकी चटनी है। हाँ एकदम हाइजेनिक के भी ख्याल रखते हैं। हाँ इसके लिए दोनों स्लाइस पे लगता है। हाँ दोनों स्लाइस पे लगता है, तीन लेयर में बनता है सैंडविच। हाँ हाँ एक कट करेंगे और अंदर बैक कर देंगे। और चीज अंदर पहले से हाँ चीज अंदर पहले से रहता है। हाँ और ये आप डाल दिए? हाँ ये बैक कर दिए। अच्छा भैया आपका वो चाकू वाला है, जरा प्याज काट के दिखाएगा हमारे दर्शकों को अपना स्पीड जरा। तो देखिए हमारा सैंडविच जो है वो तैयार हो रहा है। अब देखिए बिहार में हम अक्सर देखते हैं ना कि सैंडविच का इतना चलन नहीं है, लेकिन यहाँ पर ऐसे डिलीशियस सैंडविच देख के मज़ा आ रहा है। और सच बताओ एक सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे ये लगा है ना कि जो सच में नाम से है वही मिल रहा है, क्योंकि बहुत जगह जाते हैं तो नाम वाला मिलता चीज़ नहीं है, लेकिन यहाँ पर वो वही नाम वाला चीज़ मिल रहा है। क्यों भैया? एकदम नाम वाला चीज़ मिल रहा है और मेन्यू में जैसा दिखता है वैसा बनके तैयार होता है। ये तो क्योंकि मेरा ये लाइन में बचपना गया है मैडम, इस फील्ड में मैं कम से कम 17-18 साल से काम किया हूँ, तो मैं इसके लिए सब बना पाता हूँ अच्छा से और अच्छा कर पाता हूँ। अच्छा, तो आपको एक्सपीरियंस है? हाँ एक्सपीरियंस है इसके लिए, तो इसीलिए बना। इसके अलावा भी कुछ और अनोखा सैंडविच जो हमारे दर्शकों को पसंद आता है? अभी अनोखा सैंडविच तो है, अभी सैंडविच तो बहुत सारे हैं, लेकिन अभी सोच रहा हूँ कि अगर अभी तो चालू किया हो थोड़ा दिन के बाद अगर शॉप हो जाएगा कुछ होएगा तो फिर गार्लिक ब्रेड पिज्ज़ा वगैरह सब चालू करूँगा। पिज्ज़ा वगैरह अपने से चालू करेंगे? हाँ खुद बनाता हूँ, खुद चालू करूँगा, चालू करूँगा सब। चलिए तो हमारा सैंडविच बनके तैयार हो चुका है, अब बस इंतज़ार है इसको टेस्ट करें। दिखने में तो ये काफ़ी डिलीशियस लग रहा है, एकदम जो दिख रहा है मतलब लग रहा है कि भाई कुछ पे करके मज़ा आया। भैया इसका प्राइस कितना हुआ? इसका प्राइस 70 रुपीज़। अच्छा चलिए देखते हैं, 70 रुपीज़ जैसा लग तो रहा है, अब टेस्ट करके बताएंगे। इसके ऊपर बटर भी लग चुका है, चलिए इसको अलग भी कर देते हैं। हाँ इसके ऊपर वापस से अलग से चटनी देते हैं, चटनी सॉस देते हैं, क्योंकि फ्लेवर टेस्ट करके खाने में अच्छा थोड़ा लगता है। कौन-कौन सा चटनी है भैया? ये ग्रीन वाला, ये नारियल का चटनी है, नारियल सिंगदाना बादाम अपना लहसुन है और ये सॉस है केचप। अब हम टेस्ट करके आपको बताते हैं कि ये कैसा है। गरम तो है और काफ़ी चीज़ी भी लग रहा है, ये आप देख सकते हैं इधर, हम आपको एक बार दिखाएंगे कि काफ़ी ज़्यादा चीज़ी लग रहा है। अब खा के देखते हैं। गर्म में बहुत टेस्टी है, आखिर आप इस चटनी को एक बार देख लीजिए, ये बहुत टेस्टी है। और इसका जो ग्रीन चटनी है वो उसमें और भी ज़्यादा फ्लेवर ला रहा है देखिए। और इसमें देखिए कितना सारा चीज़ है, तो मतलब आपको पे करके मज़ा तो आएगा ये आप जान लीजिए, और हाँ करके भी बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा टेस्टी है और उसमें हर चीज़ का स्वाद आ रहा है। तो
ऐसा क्या अनोखा है? क्योंकि मेन चीज़ है कि मैं सारे प्रोडक्ट ओरिजिनल डालता हूँ और इसमें कम कंजूसाई नहीं करता हूँ डालने में। बटर भी लगाता हूँ तो दिल से लगाता हूँ, चीज़ भी डालता हूँ तो अच्छे से थोड़ा डालता हूँ। मेरा कस्टमर मेरे लिए तो भगवान समझता है, एक बार खाएंगे दोबारा रिटर्न आना चाहिए कस्टमर, इसके लिए मैं अच्छे तरह से खिलाता हूँ कस्टमर को। तो इस कारण से इसमें सारा टेस्ट आता है। भैया देखिए अभी हमने टेस्ट किया सारे टेस्ट में, और आपको एक बार आके ज़रूर टेस्ट करना चाहिए, क्योंकि आप जब इसको खाएंगे तो इसके अंदर सारा स्वाद आएगा आपको एक तरीके से, चीज़ का हो, बटर का हो, कॉर्न का हो, जो कॉर्न स्पेशल वैरायटी है सैंडविच में उसका स्वाद भी आपको आएगा। तो आपको ट्राई ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि आप जितना पे करेंगे उस हिसाब से ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, और आपको लगेगा कि वर्थ इट तो है, और ये सच में वर्थ इट है। तो आप ज़रूर टेस्ट कीजिएगा, और ये काफ़ी ज़्यादा टेस्टी है। मेरा फेवरेट तो कॉर्न है, अपना फेवरेट आ रहिएगा और ज़रूर टेस्ट करिएगा, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, इसी के साथ देखते रहिए टीवी भारत। कैमरामैन अनीश के साथ मैं सृष्टि श्रीवास्तव, धन्यवाद, बाय।